स्कूल यूनिफॉर्म का जो पिनाफोर ड्रेस है वो सिलाई करेंगे, कटिंग और सिलाई करेंगे। तो कुछ लोग भी स्कर्ट फ्रॉक भी कहते हैं, तो खैर जो भी कहते हैं। तो इसका फुल लंबाई रखनी है हमको 28 इंच यानी कि 28 इंच, और सेट रखनी है हमको 28 इंच, और कमर रखनी है हमको 26 इंच। तो इसका फिक्स बॉडी है 26 इंच एंड कमर का 20 इंच। तो कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा को इस तरह से लिया, और पहले हमको कपड़ा सीधा कर लेना है ऊपर से सेट पर। तो कपड़ा हमने सीधा कर लिया, एक मार्जिन लगा लिया, और 13 इंच पर एक मार्जिन लगा लिया, 12 इंच पर एक मार्जिन लगा लिया क्योंकि हमको 12 इंच रखनी है, और 1 इंच दोनों साइड की सिलाई के लिए हम हाफ इंच छोड़ लेंगे। और ये अनमोल का मार्जिन है 4 इंच, अनमोल हम 4 इंच रखेंगे, मोहराई जो कहते हैं अनमोल भी कहते हैं, हम वो 4 इंच रखेंगे। और दोनों सिलाई को इसी मार्जिन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और फिक्स बॉडी है, इन फिक्स बॉडी है 26 इंच, और कमर का फिक्स बॉडी है 20 इंच। तो हम रखेंगे यहाँ पर फिक्स बॉडी रखेंगे, फिक्स बॉडी 26 इंच यानी कि लूज रखेंगे हम, टोटल रखेंगे 28 इंच। तो 7 इंच कर दिया सर भाग, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, और इसी पर हमको 5 इंच रखना है फिर सर भाग करके, और 1 इंच लेना है प्लेट आएगी, प्लेट के लिए 1 इंच लेंगे, और लूज के हिसाब से हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब गलाई की रखेंगे हम 2 इंच रखेंगे, और हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच यानी कि 5.5 इंच हम टोटली रखेंगे। तो 5.5 टोटली रखेंगे तो अच्छा होगा। तो इसी तरह से हम मोहराई की अनमोल की साइड कटिंग कर लेंगे पहले। तो इस तरह से हम थोड़ी सी मार्जिन लगा लेते हैं पहले, यानी कि सीधा होने के लिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो गलाई के डाउन हम 4 इंच ही लेंगे, यानी कि छोटा बच्चा है तो 4 इंच ही बेटर रहेगी। गलाई हम कर लेंगे, राउंड कर लेंगे, इस मार्जिन से हम कट लेंगे। तो अब मैं कटिंग कर देता हूँ, और उसके बाद हम नीचे वाला जो पट्टी अब कपड़ा वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इस साइड पर भी हमको 1 इंच ज़्यादा रखे है, इस साइड पर हमको दोनों साइड पर सिलाई हाफ इंच जाएगी, तो एक साइड पर भी रखेंगे। तो इस तरह से गोलाई हम कटिंग करेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी सुमन कर लेंगे। तो इस पे जो प्लेट बनेगी, तो प्लेट हमको इस तरह से कुछ मेजरमेंट से लगानी है, तो इस तरह से मैं निकालूँगी। तो ये हमारा प्लेट वाला हो गया। तो अब इस नीचे वाला जो कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लेंगे कपड़ा को। तो इस तरह से लेने के बाद हमको वो जो कितना कटिंग किया है ऊपर वाला कपड़ा, तो उनका मेजरमेंट लेते हैं। 13 इंच हमको टोटल रखा है, और 12 इंच हमको रहेगा ही वो, तो हम 12 इंच एक्स्ट्रा सोल देंगे। सोलने के बाद जितना लंबाई आएगा उतना पर हम कटिंग कर लेंगे नीचे वाला कपड़ा को। तो इसी तरह से देखिएगा, तो इस तरह से ये 28 इंच हमको रखेंगे, और दोनों स्टॉल साइड पर जो सिलाई के लिए कपड़ा जाएगी वो हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से दिखा देता हूँ, इस तरह से ले जाती है। तो इसी तरह से हम से जो मार्जिन को हम सीधा कर लेंगे पूरी तरह से, और नीचे से जो कपड़ा है वो हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से सिलाई के लिए छोड़ देता हूँ जितना भी कपड़ा है, 2 इंच परिमाण कपड़ा है। तो इस तरह से हम छोड़ देते हैं नीचे वाला सिलाई के लिए, और इस वाला कपड़ा को हम ऊपर वाला कपड़ा के साथ एक साथ मिला लेते हैं। कितना लंबाई आएगा देख लेते हैं, कितना लंबा आया है। तो इस तरह से होगा ये नीचे वाला कपड़ा, जो प्लेट पर प्लेट बनाकर सिलाई मारना है। तो देखते हैं लंबाई कितना रह गया।
तो ये देखिए 28 इंच यहाँ पर रखनी है और जितना भी कपड़ा पर है वो कपड़ा सिलाई मार लेंगे नीचे वाला साइड पर पुट्टी बनाकर। तो इस तरह से प्लेट बनेगी, इस तरह से प्लेट बनेगी। तो इसी तरह से प्लेट बना बना कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बना लेता है प्लेट, तो दिखिएगा सिलाई करना, दिखिएगा स्टेचिंग दिखा देता हूँ। अब कटिंग करना हो गया, तो कटिंग करना हो गया, अब सिलाई दिखा देता हूँ। तो मोहराई की, अनमोल की और गलाई की जो हम पाइपिंग बनाएंगे, तो पाइपिंग के लिए हमको थोड़ी सी सेम कपड़ा ही रहे बेटर है। और ये ड्रेस जो आप लमकिन की कपड़ा से बनाना चाहते हो, लमकिन की कपड़ा से बनाने के लिए भी सेम कपड़ा जो होता है पाइपिंग बनाने का, लमकिन की कपड़ा से अगर ये ड्रेस बनाओगे तो लमकिन की कपड़ा से पाइपिंग नहीं होगा ना, तो इसलिए थोड़ी सी सेम कपड़ा, सेम कलर के कपड़ा, शर्ट वाला का कपड़ा यूज़ करना बेटर होगा। तो दिखिएगा सिलाई करना।